कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो देखो मैं आज क्या बना रही हूँ, ये पत्ते देख के समझ ही गए होंगे आप लोग क्या बना रही हूँ। ये मेरे छोटे से गार्डन का पत्ता है और ये अरवी के पत्ते हैं। इसके सब्जी भी बनती हैं और पकौड़ी भी बनता है। तो मैं इसके लिए बेसन में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा, गुड़की, अदरक, लहसुन का पेस्ट है और आधा नींबू काट के डाली हूँ, क्योंकि इसे डालने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है और जो जीव है वो कटता है, इससे नहीं नुचता है। और इधर चाय चढ़ाई हुई है और इस खाली भी कढ़ाई, इसमें तेल डाली हुई। सोना के लिए मैं सत्तू भर के पूरी बनाई थी और अब बनाती हूँ। इसमें इसे मिक्स करूँगी, उसका कैसे बनाती हूँ आप लोग वीडियो बने रहिए, देखिए। तो फ्रेंड देखो, बेसन को मैं अच्छी तरह से पूरा मिला दी हूँ। ऐसे करना है। उसके बाद सबसे बड़ा पत्ता ली हूँ, स्प्रे में सारा मैं बेसन लगा के एक हाथ से, सॉरी, मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से बना रही हूँ। और सारे पत्ते इसी तरह करके एक दूसरे पे चढ़ा के देखिए कैसे बनाती हूँ। देखिए सारे पत्ते में बेसन लपेट के ऐसे फोल्ड करके धागे से बांधूंगी। फ्रेंड्स, इसको धागे से मैं इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें रख देती हूँ और स्टीम होने के लिए गैस पर चढ़ा दूंगी। इधर चाय मेरा हो गया है, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ जो लिट्टी है वो भी हो चुका है, इसे कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। और इसमें मैं डाली हुई हूँ जीरा, मिर्ची और पत्ता। इसमें कद्दू का सब्जी बनाऊंगी। और ये देखो पत्ता जो मेरा बॉयल हो गया, ये गोल तैयार की हुई हम करके इसे पीस पीस काट के देखो कैसे फ्राई करती हूँ। सारे को मैं पीस पीस में काट ली हूँ। अब इसमें बेसन हल्का सा लपेट दीजिए और कढ़ाई में डालेंगे। फिर धीरे धीरे इसी तरह मैं सारे पीस में बेसन मिला के सारे को फ्राई करूँगी। सारे को कढ़ाई में डाल दी हूँ। तो मैं फ्रेंड्स, जो मेरा पकौड़ी है देखो कितना अच्छा बना है, इसे मैं कढ़ाई में, सॉरी, अब इसमें से निकाल लेती हूँ। लिट्टी भी मेरा फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा कम पका हुआ था, इसलिए पका रही थी, हो चुका है। अब देखो सब्जी कैसे बनाती है भी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालोगी, जीरा चटकने लगे, गैस को कम करूँगी। और इसमें सारा मसाला है, मसाला में हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सरसों और जीरा, गुलकी, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, सब इसमें डालो। नमक भी मैं इसी में ऐड कर दी। करीब 2 मिनट तक पकाऊंगी। अब मसाला जो है मेरा पूरी तरह से, मसाला जो है मेरा पूरी तरह से देखिए बढ़िया लग रहा है और तेज भी होने लगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी दही ऐड करूँगी और फिर इसे 1 से 2 मिनट तक इसे भूनूंगी। गैस थोड़ा सा तेज करूँगी। मसाला जो है दोनों तरफ से भी चढ़ा, एक तरफ देखिए, ताकि
तरह से। मसाला जितना भुन जाता है सब्जी में उतना टेस्टी बनता है और यम्मी बनता है। मसाला जो है मेरा पूरा सर से तेल छोड़ने लगा है और देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, थोड़ा थोड़ा एक बार पानी नहीं डालना चाहिए, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से चलाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे बेसन डाली है तो मसाला जो है छिप जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें मैं ये पत्ता डाल दूँगी, सॉरी पत्ता करी ये सब पकौड़ी जो बनाई है सारा ऐड करेंगे। ये मेरा अरबी के पत्ते की पकौड़ी सॉरी सब्जी तैयार है, लगभग तैयार है, पूरी तरह से नहीं हुआ। उसके बाद अब पत्ते की सब्जी को थोड़ा सा कद्दू की सब्जी जब भी आप बनाइए, कद्दू बोली या लक्कू बोले, हम लोग क्या कद्दू बोला जाता है, तो इसे एकदम लो आंच से बनाए, सब्जी जो है बहुत अच्छा से पकेगा और खाने में भी टेस्ट लगेगा। ये मेरा सब्जी तैयार हो गया, मिलती हूँ थोड़ी देर में।